नमस्कार दृष्टि आई के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रीकैप से पहला प्रश्न था ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक तापीय विद्युत संयंत्रों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है दो इलेक्ट्रिसिटी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है जिसमें जल वाष्प उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जेई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक जापानी इंसेफेलाइटिस एक फ्लेवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो हृदय के आसपास की झिल्लियों को प्रभावित करती है दो क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से यह इंसानों में फैलता है तीन जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण को भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो और तीन अगला प्रश्न था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इस सिद्धांत को पहली बार 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा लाया गया था दो पैंजिया पैंथलासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च वहीकल ध्रुवीय कक्षा में अर्थ ऑब्जर्वेशन अथवा रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को वितरित करता है दो जी संचार उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जी में पहुंचाता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था सिंथेटिक बायोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एक जीनोम एडिटिंग की तरह सिंथेटिक बायोलॉजी में जीवों के जेनेटिक कोड को बदला जाता है दो सिंथेटिक जीव विज्ञान में बढ़ती सैन्य रुचि के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित किया जाता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक अगला प्रश्न था हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक अधिकतर पुरुषों में यह बीमारी होती है दो हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अगला प्रश्न था ग्रेट वन हॉर्न राइनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इन्हें भारत नेपाल और म्यांमार में देखा जा सकता है दो इनका कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड है तीन, ग्रेट वन हॉर्न राइनो गैंडे की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल तीन अगला प्रश्न था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह तब होता है जब गले की मांसपेशिया वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। दो इस बीमारी का संकेत है नींद के समय में खर्राटे का नहीं आना उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो अगला प्रश्न था स्टिंग जेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक स्टिंग जेट्स की फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान मुश्किल होती है क्योंकि उनका आकार तूफान की तुलना में छोटा होता है दो उन्नीस के भीषण तूफान के बाद ही स्टिंग जेट्स को औपचारिक रूप से खोजा गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था एक और दो दोनों अंतिम प्रश्न था हाल ही में प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानदंड अधिसूचित किए गए हैं इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादकों के मामले में इस साल 70 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और उसके अगले साल 100 प्रतिशत कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य कर दिया गया है दो इसके तहत केवल पोस्ट कंज्यूमर्स दोनों के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लक्ष्य तय किया गया है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी अवधारणा गंटर पॉली द्वारा लाई गई थी दो यह समुद्री स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समुद्री विकास रणनीतियों की वकालत करता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा गंटर पॉली ने दी थी उन्होंने अपनी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी टेन ईयर्स हंड्रेड इनोवेशन हंड्रेड मिलियन जॉब्स में यह अवधारणा दी अतः कथन एक सही है यह आर्थिक विकास बेहतर आजीविका रोजगार और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर देता है इसके अलावा यह समुद्री स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समुद्री विकास रणनीतियों की वकालत करता है अतः कथन दो सही है ब्लू इकोनॉमी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल के साथ साथ सामाजिक समावेशन पर्यावरणीय स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर जोर देती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक शब्द पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफ को भारतीय दंड संहिता यानी आई में परिभाषित नहीं किया गया है दो एफ में दी गई जानकारी एक संज्ञ अपराध के कमीशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए तीन सी के तहत शिकायत और एफ एक ही है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल एक और दो केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल एक और दो एफआईआर शब्द को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी आर उन्नीस या अन्य किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है अतः कथन एक सही है पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स में सीआरपीसी की धारा एक के तहत दर्ज की गई जानकारी को पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफ के रूप में जाना जाता है एफ के तीन अहम तत्व होते हैं जानकारी एक संजे अपराध के कमीशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए यह लिखित या मौखिक रूप से थाने के प्रमुख को दिया जाना चाहिए इसे सूचना देने वाले के द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए एवं इसके प्रमुख बिंदुओं को एक दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए अतः कथन दो सही है सीआरपीसी के तहत शिकायत यानी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से पेश किए गए किसी आरोप के रूप में परिभाषित किया गया है हालांकि इसमें पुलिस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया गया है वहीं एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के बाद तैयार करती है एफ में अपराध और कथित अपराधी का विवरण हो सकता है अतः कथन तीन गलत है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल एक और दो अगला प्रश्न है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है एक अस्थमा दो डायबिटीज तीन मेल फर्टिलिटी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन डी एक दो और तीन दुनिया भर के देश वायु प्रदूषण के खतरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी के मद्देनजर चीन के एक नए अध्ययन से खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी स्पर्म मोटिलिटी को कम करके पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है पीएम 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोमीटर व्यास से छोटे सूक्ष्म कण ये हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित कर सकते हैं और इस तरह डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है पीएम 2.5 के लगातार संपर्क में रहने से अस्थमा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विकल्प डी सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी एक दो और तीन अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक मेंटल और कोर के बीच की सीमा मोहरोविसिक डिस्कटिनिटी है दो इस डिस्कटिन्यूटी पर भूकंपीय तरंगे धीमी हो जाती हैं। तीन एंड्रीजा मोहरोविसिक ने मोहरोविसिक डिस्कटिनिटी की खोज की थी उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन सी केवल तीन मोहरोविसिक डिस्कटिनिटी को मोहो भी कहा जाता है यह क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है अतः कथन एक सही नहीं है भूविज्ञान में डिस्कटिन्यूटी शब्द का प्रयोग उस सतह के लिए किया जाता है जिस पर भूकंपीय तरंगें अपना वेग बदलती हैं। इनमें से एक सतह है, समुद्र के बेसिन के नीचे 8 किलोमीटर की औसत गहराई पर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 32 किलोमीटर की औसत गहराई पर मौजूद है इस डिस्कटिन्यूटी पर भूकंपीय तरंगे तेज हो जाती है अतः कथन दो सही नहीं है मोहरोवि डिस्कॉन्टिन्यूटी को उन्नीस में क्रोएशियाई भूकंप विज्ञानी एंड्रीजा मोहरिक द्वारा खोजा गया था अतः कथन तीन सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी केवल तीन अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक गैको सर के अंतर्गत आते हैं और ये केवल एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं दो टोको गैको भारत में स्थानिक है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो यानी दोनों कथन गलत हैं पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से बेंट टोड गैको की एक नई प्रजाति की खोज की है इसका वैज्ञानिक नाम क्राइटोडेक्टिलस एक्सरसिटस है और अंग्रेजी में इसका नाम इंडियन आर्मीज़ बेंट टोट गैको है लैटिन भाषा में एक्सरसिटस का मतलब सेना होता है गैको सरिश्रिप के अंतर्गत आते हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं अतः कथन एक सही नहीं है अधिकांश गैको निशाचर होते हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि वे रात में सक्रिय होते हैं लेकिन कुछ गैको दिन के दौरान भी सक्रिय होते हैं इंडियन गोल्डन गैको भारत में स्थानिक है इन्हें मुख्यतः तमिलनाडु उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देखा जा सकता है टोको गैको को भारत मलय क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जा सकता है अतः कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक अनुसूचित बैंकों को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी एम के रूप में संदर्भित किया जाता है दो भारत में स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट के रूप में कार्य करता है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार होता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एन के मुताबिक सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी एम पर अपनी निगरानी कड़ी कर दी है स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कारपोरेशन को सामूहिक रूप से सिक्योरिटीज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी एम के रूप में जाना जाता है अतः कथन एक सही नहीं है बिमल जालान समिति 2010 के अनुसार ये संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिए महत्वपूर्ण तो है और प्रतिभूति बाजार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के रूप में काम करते हैं भारत में स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट के रूप में कार्य करता है जहां स्टॉक बॉन्ड और कमोडिटीज जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार होता है अतः कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी दो अधिसूचित क्षेत्रों में नोटिफाइड क्रॉप्स को उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों को छोड़कर सभी किसान इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ ऐसी कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो यानी दोनों कथन गलत है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पी एम की शुरुआत के छह साल पूरे हो गए हैं। अब तक इस योजना के तहत लगभग एक लाख सात हजार करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है अब जान लेते हैं पी एम यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से इस योजना की शुरुआत की थी अतः कथन एक सही नहीं है इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल की क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है इस योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है अधिसूचित क्षेत्रों में नोटिफाइड क्रॉप्स को उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। अतः कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है दो इसका लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है तीन इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करना है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक और दो केवल एक और तीन केवल दो या फिर केवल तीन इसका सही जवाब ऑप्शन डी केवल तीन यानी पहला और दूसरा कथन सही है हिमाचल प्रदेश का एक आकांक्षी जिला चंबा देश का सवा हर घर जल वाला जिला बन गया है जान लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में जल जीवन मिशन की परिकल्पना सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है इसका लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है इसलिए कथन दो सही है यह है मिशन ग्रामीण भारत के सभी घरों को कवर करेगा अतः कथन तीन सही नहीं है यह है मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है अतः कथन एक सही है इस मिशन के प्रमुख घटकों में व्यापक सूचना शिक्षा और संचार शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी केवल तीन अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक शिवाजी के पिता शाहजी निजाम शाही सल्तनत की सेवा में कार्यरत थे दो शिवाजी को सैन्य और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए कानोजी जेधे और बाजी पासलकर को नियुक्त किया गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो ऐसा सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की तीन सौ बानवेवी जयंती है शिवाजी भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुन्नार शहर के पास शिवनेरी के किले में हुआ था इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुरी सल्तनत की सेवा में कार्यरत थे बीजापुरी सल्तनत दरअसल बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच एक त्रिपक्षीय संघ है अतः कथन एक सही नहीं है शिवाजी को सैन्य और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए कानोजी जेधे और बाजी पासलकर को नियुक्त किया गया था अतः कथन दो सही है 1640 में शिवाजी का विवाह सई बाई निम्बालकर से हुआ था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है निम्नलिखित तो देशों पर विचार कीजिए एक अल्जीरिया दो नाइजर तीन मारिटानिया चार सेनेगल पांच इरिट्रिया उपर्युक्त में से किस देश की सीमा माली के साथ लगती है केवल एक दो तीन और पांच केवल एक दो तीन और चार केवल दो तीन चार और पाँच या फिर उपरोक्त सभी इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल एक दो तीन और चार फ्रांस ने हाल ही में माली से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है गौरतलब है कि माली चार और बुरकीना फासो में तख्ता पलट ने फ्रांस के पूर्व उपनिवेशों में फ्रांसिस अलायंस को कमजोर कर दिया है इससे रेगिस्तान और स्क्रबलैंड के बड़े क्षेत्रों को नियंत्रण में लाने वाले जिहादियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और इस इलाके में रूसी प्रभाव के रास्ते भी खुल रहे हैं जान लेते हैं माली के बारे में माली पश्चिम अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है नाइजर नदी इस देश से होकर बहती है माली के उत्तर में अल्जीरिया पूर्व में नाइजर और बुर्कीना फासो दक्षिण में आइवरी कोस्ट एवं गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मारिटानिया है इसलिए विकल्प भी सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल एक दो तीन और चार अंतिम प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एस ए आई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी स्थापना नौवे एशियाई खेलों की लीगसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्नीस में की गई थी दो इसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों यानी दोनों कथन सही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में खेलों से जुड़े 21 क्षेत्रों में कई स्तरों पर तीन प्रशिक्षकों को रोजगार के प्रस्ताव दिए हैं जान लेते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एस के बारे में इसकी स्थापना 9वें एशियाई खेलों की लीगसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्नीस में की गयी थी नोवे एशियाई खेलों का आयोजन उन्नीस में नई दिल्ली में किया गया था अतः कथन एक सही है एस ए आई के उद्देश्य हैं खेलों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना एस ए आई को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था इसलिए कथन दो सही है यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एक और दो दोनों अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दो संविधान का अनुच्छेद दो सौ अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान का प्रावधान करता है तीन सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे किसी जल विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन या फिर एक दो और तीन इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद